हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का रिव्यू होने वाला है ब्राउनसन प्रोफेशनल पिंक अल्टीमेट क्लासिक ब्यूटी ब्लेंडर मेकअप स्पॉन्ज के ऊपर। तो ये है मेकअप स्पॉन्ज, इसको मैंने नायका से लिया था और आज मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल पे मिल जाएंगी आपको मेकअप के रिलेटेड सारी वीडियोस, जैसे कि मेकअप ट्यूटोरियल्स, आई मेकअप प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ और हेयर अप्लायंस के ऊपर रिव्यूज़, और साथ में हेयर स्टाइलिंग भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। और मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ कभी कभार, तो अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, ये एक आपको प्लास्टिक बॉक्स में मिलता है। तो पीछे इसके यूजेस वगैरह भी बताए हुए हैं। मैं इसका प्राइस आपको बता दूं, इसका जो एमआरपी है वो 250 है। मुझे ये 150 में मिल गया था नायका पे डिस्काउंट पे। तो ये मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए, पिंक, बेबी पिंक कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है ये। तो मुझे बहुत पसंद है ये कलर और मैंने इसको 3-4 बार यूज़ कर लिया हुआ है और काफ़ी सॉफ्ट है ये। तो मुझे अभी मैं इसको वेट करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये इसका साइज़ है वेट करने से पहले, तो वेट करने के बाद मैं आपको इसका साइज़ बताऊँगी। काफ़ी ये डबल हो जाता है, तो ये है इसका साइज़ वेट करने के बाद, ये डबल हो गया। और अच्छे से आपको इसको स्क्वीज़ करके सारा पानी निकाल लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने फेस पे एक लिक्विड हाइलाइटर लगाऊं। तो मैं इसी के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ, लिक्विड हाइलाइटर को भी, और साथ में अब फाउंडेशन भी ब्लेंड करूँगी इसी के साथ ही। तो ये फाउंडेशन मैं इसके साथ ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस, मेरे पास पैक का भी मैंने स्पॉन्ज यूज़ किया हुआ है, एलोर का भी, उनके भी रिव्यूज़ मेरे चैनल पे हैं। तो वो भी दोनों बहुत अच्छे हैं। पता नहीं ये कैसा चलेगा। देखिए, इसने इतना प्रोडक्ट सक किया हुआ है, प्रोडक्ट तो ये सक करेगा ही क्योंकि 150 में आपको मिल रहा है बस। तो पैक का जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट सक नहीं करता था, अब वो ख़राब हो चुका है। तो ये इसने काफ़ी अच्छे से मेरी फाउंडेशन को ब्लेंड कर दिया है, मुझे अच्छा लगा, आई लाइक इट। अब मैं कंसीलर भी ब्लेंड कर रही हूँ इसी के साथ ही। तो कंसीलर अभी चलिए ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ गाइस, अगर आपने स्पॉन्ज को अच्छे से स्क्वीज़ किया है, पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका स्पॉन्ज अच्छी कवरेज देगा, वरना वो नहीं दे पाएगा। तो अभी मैं करूँगी अपने फेस पे थोड़ी बहुत ब्राउजिंग। तो मेरे पास एक लिक्विड फाउंडेशन है डार्क शेड की, तो इसको भी मैं इसी के साथ ब्लेंड करूँगी। तो ये अच्छे से इसको भी ब्लेंड कर देगा। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ लगाई हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसने कितना प्रोडक्ट सक किया है। तो सबसे पहले तो जो महंगे महंगे होते हैं शायद वो इतना प्रोडक्ट सक नहीं करते, बट ये वाला महंगा नहीं है तो ये ज़्यादा प्रोडक्ट सक कर रहा है। ये था इसका रिव्यू गाइस। आई होप ये रिव्यू आपको यूज़फुल लगा हो और हेल्पफुल भी लगा हो। तो ये स्पॉन्ज मुझे बहुत पसंद आया है, तो इसके लिए मैं दूंगी थम्स अप। तो मुझे लगता है आपको भी इस वीडियो को थम्स अप जल्दी से दे देना चाहिए अगर आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक लिए बाय बाय।